जादुई रोशनी ने रंग नहीं बदला, मतलब बगदाद की गायब औरतें वापस नहीं आई होंगी। सब जादू बेकार हो गया। एक बार फिर से कोशिश करें। नहीं, जब तक हमें हमारी गलती नहीं पता चल जाती, दोबारा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, फिर से गलती होगी। जिनू पर हम हार नहीं मान सकते, मुझे यकीन है तुम दोबारा कोशिश करो। लेकिन बार बार हम गलत कोशिश करके हम गायब औरतों को वापस नहीं ला सकते। मान लो हम हार गए हैं, हमें जल्दी ही वापस जाके कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हालात बुरे आकर उन दोनों को एक ठोकर मार चले, एक अली था, एक जिन था, दोनों बाजी हार चले। वजीर आला ने वादा किया था कि वो सब ठीक कर देंगे। जिन एक तो तुम बेकार, ऊपर से वो दूसरा अली बेकार, जाहिल की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं जाने कहां रह गए ये दोनों। आका वजीर आला रुकिए, गुलाम से किस तरीके से बात करनी है ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। समझ गया वजीर आला, पर हम दोनों के जिस्म पर धूल और बचा कुचा जादुई धुआं लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें और वजीर आला आपको राज़े कायनात मिलने वाला है, दुनिया के सुल्तान बनने वाले, आपको फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे आपके खैर की फिक्र है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और बात वजीर आला, जादू भले ही नाकाम हो गया लेकिन आपके चिराग के जिन ने कोशिश में कमी नहीं छोड़ी। ऐसे पूरी तोंद और पूरी कोशिश करने वाला जिन सबको मिले, माशाल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन। तो चलिए आप दोनों अपने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लीजिए, फिर कुछ ही देर में हमारे कमरे में मिलकर इत्मीनान से बातें करेंगे। मुझे माफ कर दो चाचा, अंगूठी छाप, मैं चिड़ी मीनू को अब तक नहीं ला सका। अपनी 1500 साल की जिंदगी में हमने आज तक बहुत कुछ देखा आका, पर अपने गुलामों से माफी मांगने वाला आका नहीं देखा। तुम लोग मेरे गुलाम थोड़ी ना हो, मेरे अपनों जैसे। इसलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं जिनी मीनी को अब तक। बस कीजिए आका, आप जो कर सकते हैं आप कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप जिनी मिनी को वापस लेकर ही आओगे। मेरी अम्मी कहती हैं कि घर भी औरत बनाती है और घर का माहौल भी। अगर वो मुस्कुराए तो बहार आती है, और रो दी तो बरसात। अगर आप उदास रहेंगी तो लोगों की रही सही हिम्मत भी टूट जाएगी, अपने घर के लिए, अपने बगदाद के लिए, अपने लोगों के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए।
रुखसार खाला, आपकी चाबी मिल गई। शुक्रिया। ये तो आपके संदूक की चाबी है ना? आपको कैसे पता? वो मुझे कैसे पता, आप किसी से पूछिए, कोई भी बता देगा। इतनी पुरानी चाबी है तो संदूक की चाबी होगी ना, है ना अंगूठी? झुमरू मालिक, झुमरू अंगूठी तो मैंने पहनी है। झुमरू हाँ। वो जब वो हरी रोशनी दिखी थी ना, तब ये चाबी मेरे हाथ में थी। अफरा तफरी में पता नहीं कहाँ खो गई, आज मिली है। जब जब हरी रोशनी आई तो ये चाबी आपके पास थी? जी। और जब सब गायब हो गए तब भी आपके पास ही चाबी थी? जी हाँ। ये चाबी तो लोहे की है ना, और ये चाबी आपने तब पकड़ी हुई थी और जब सारी औरतें गायब हो गई उसके बाद ही चाबी खोई थी। हमें ये बात वजीर आला को बतानी होगी। कौन सी बात? आप आइए मेरे साथ, सब बताता हूँ आपको। अली साहब, आप कहना चाहते हैं कि इनके हाथ में लोहे की चाबी थी इसलिए ये बज गई? ऐसे थोड़ी होता है। होता है वजीर आला, मैं जानता हूँ आप बहुत होशियार हैं और आप एक कदम आगे की सोचते हैं, लेकिन एक बार इस छोटी सी बात पर भी गौर कर लीजिए। हम यहाँ पर मौजूद जितनी भी औरतें हैं उन सब से पूछेंगे कि जब जादू हुआ तो वो क्या कर रही थी, उनके हाथ में क्या था। शायद कुछ हो वजीर आला, हम खेल उल्टा कर देते। गायब होने की वजह ढूंढने की जगह गायब ना होने की वजह ढूंढते, शायद हमें गायब होने की वजह मिल जाए। मुझे लगता है तरीका काम हो जाएगा भाईजान। भाईजान कहाँ है आप? तो इस तरीके के अब्बा को भी काम करना पड़ेगा। तरीके के अब्बा? ए, मैंने तुम्हें नहीं अपने भाईजान को भाईजान कहा है। ठीक है अली साहब, हमारे दोस्त होने के नाते हम आपको ये आखिरी मौका देते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आवाम बड़ी परेशान है। अगर इस मर्तबा आप कामयाब नहीं हुए तो फिर। जी शुक्रिया। विद्या आप बताइए। जब वो हरी रोशनी आई तो मैं शहजादी के कमरे में थी और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। शहजादी एकदम से गायब हो गई। याद करने की कोशिश करिए, हो सकता है कि आपके पास या आसपास कोई लोहे की चीज हो। शहजादी, शहजादी गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए। हाँ गुलदान था अब लोहे का मेरे पैरों के पास। आपके पास? मैं वो घर में लोहे का तवा साफ कर रही थी और मैं अपने शौहर की तलवार चमका रही थी। शहजादी
क्या कर रही थी? मैं तो वो अब मैं वो अब आपको बोलने के लिए लिख कर दरख्वास्त दें जी वो कहेंगे आप बोलो वजीर आला दरअसल तब मैं अपने बहू और बेटे के साथ रस्सा कसी खेल रही थी सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे आप नहीं मेरे आसपास कोई लोहे की चीज नहीं थी आपने ये जो कंगन पहने हैं वो खालिस सोने की है और आपने ये जो मोटा कड़ा पहना है क्या ये भी सोने का है हाँ हाँ बिल्कुल सोने का है नाज़नीन कोई ऐसी वैसी चीज पहनती ही नहीं ले अलादीन ये मेरा लोहे का कंगन है जा और इस पे सोने की परत चढ़ा ला लेकिन याद रखना उस चीटी मेरा मतलब है गुल्लू के अब्बू और गुल्लू दोनों को इस बात की कानो कान खबर ना हो चल लेकिन चाची आपके पास तो इतना सोना है कम से कम इस कड़े को तो बख्श दीजिए ऐसे कैसे बख्श दूं अरे यूं तो मुझे तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ बगल वाली अमीना सामने वाली सकीना इन लोगों ने मिलकर मुकाबला रखा है कि किसके पास ज्यादा सोना है अब इतना मजेदार मुकाबला नाज़नीन हार जाए ये तो हो नहीं सकता इसलिए जा जितना कहा जाए उतना कर क्या ये कड़ा मैं देख सकता हूँ नहीं ये मेरा है आप अपनी नजरें इससे हटा लीजिए आपका तो है लेकिन सोने का नहीं है अम्मी दे दीजिए ना चुप कर कड़ा उतार कर अली साहब को दिखाया जाए वही तो कह रही हूँ अली साहब आप खुद तसल्ली कर लीजिए सेल्फियों के अलीमिया जरा ये तो बताइए कि मेरे सारे जेवरों में से आपको सिर्फ इस कड़े पर शक क्यों हुआ क्योंकि इस लोहे के कड़े की असलियत मेरे अलावा सिर्फ एक शख्स और जानता था अलादीन कैसे पता चल गया कि ये कड़ा लोहे का है मैं सोने में पैदा हुआ हूं सोने में पला बड़ा ये कड़ा क्या मैं खड़े खड़े ये बता सकता हूं कि आपने ये जो हार पहना है इसके पीछे का तला चांदी का है
इंसान हो या जेवर, मेरी नजरों से उसका सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। सुबेदार गुलबदन जी, अपनी अम्मी को यहाँ से ले जाओ। जी अब आदाब। अम्मी चलो चलो। इसका मतलब भाईजान का ख्याल सच निकला। ये लोहे का ही कमाल है जो कुछ औरतें गायब नहीं हुई। वाह मालिक वाह, जहाँ सबकी सोच जाकर खत्म होती है वहां से तो आपकी सोच शुरू होती है। कमाल की तरकीब निकाली है। मुबारक हो अली साहब। चलिए कम से कम ये तो साबित हो गया कि जिन औरतों के हाथ में लोहा था वो औरतें गायब नहीं। लेकिन इस वक्त का मुद्दा ये है कि हमें उन औरतों को वापस लाना है जो गायब हुई हैं। तो अब ये लोहा किस काम आएगा हमारे? आएगा वजीर आला, आप देखते जाइए। कल की ईद, सारी लापता बेटियां, माएं, बहनें अपने घर वालों के साथ बैठकर मनाएंगी और ये मेरा वादा है। अली साहब, 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 माशाल्लाह। होठों पे दुआ नहीं है, बच्चों के चेहरों पे खुशी नहीं है, हवा में खुशबू नहीं है, सबकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गम है। इन सबको देख के कोई कह सकता है कि आज ईद है? वाकई मालिक, माँ बहन बेटी बीवी, यही तो घर और त्योहारों की रौनक होती है। या अल्लाह, आज कोई करिश्मा कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि इस फीकी बेरंग ईद में खुशियों का रंग खुल जाए। अम्मी की याद आ रही है? इस दुनिया में अम्मी के प्यार जितनी पाक चीज बस एक ही और, ईद का चांद। माँ के प्यार की तरह ही ईद का चांद भी काले जादू के असर को उल्टा करने की ताकत होती है। इसलिए आज जब रात को चांद निकलेगा तो हम तुम्हारी और सबकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे, और तुम देखना ईद का पाक चांद तुम्हारे पाक दिल की दुआ जरूर कबूल करेगा। ईद का पाक चांद। अका, जल्दी यहां से बाहर चलिए। क्या बात है चाचा? आपकी अम्मी की बात सुनके हमने आज से 800 साल पहले पढ़ी एक बात याद आ गई।
कौन सी बात? वही बात जो आका की अम्मी कह रही थी, ईद का चांद काले जादू के असर को भी उल्टा कर देता है। क्या बात है, पूरी बात याद करो चाचा और बताओ। याद आ गया, ईद के चांद की पहली किरण जिस भी इंसान या चीज पर पड़ती है उसे काले जादू से आजाद कर देती है, और सिर्फ पहली किरण, क्योंकि उसमें अल्लाह का करम होता है। और हाँ, जो भी काला जादू उतारने की कोशिश करता है उसे ये काम घबराहट से नहीं, सुकून से, खुशी खुशी और एक साफ दिल से करना चाहिए। बहुत बढ़िया चाचा, सही वक्त पर सही चीज याद आ गई तुम्हें। वाकई आका, सभी गायब हुई औरतों को वापस कैसे लाना है वो तरकीब मेरी समझ में आ गई। क्यों आका? अंगूठी छाप जो करना होगा जल्दी करना होगा।